आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो है भाषा शिक्षण में हिंदी शिक्षण का, और इससे रिलेटेड प्रश्न तो बहुत ईजी आते हैं क्योंकि आप हिंदी का पोर्शन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो शिक्षण होता है वो आप थोड़ा सा उसमें गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि आप मैंने देखा है कि स्कोरिंग जो होती है 30 में 30 बहुत ही कम लोग लाते हैं, या 29-28, क्योंकि वो शिक्षण का पोर्शन का गलत हो जाता है और हिंदी का पोर्शन का सही रहता है। और हम ये कोशिश करेंगे कि आप 30 में 30 पा सकें, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को अलग अलग जगह से कलेक्ट किया है। बहुत कुछ नया नहीं हो सकता, आपने कई चीज़ें पढ़ी हों, लेकिन यहाँ पर हमने कोशिश की है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर एक साथ आपको बताने की। तो पहली बात तो ये कि जितनी भी चीज़ें हैं शिक्षण की वो NCERT के जो नॉर्म है उससे रिलेटेड है, मतलब जो बुक्स चलती हैं NCERT की चलती हैं, और उनके जो सिद्धांत, जैसे NCF का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, तो उन सिद्धांतों से कोरिलेट करके यहाँ पे चीज़ें कलेक्ट की गई हैं। तो हम बिंदुगत यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको जाननी बहुत आवश्यक है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों को स्कूली जीवन जो होता है उसे बाहर के जीवन से उसको जोड़ना है। तो ये पहले ही जब आपने NCERT पढ़ा होगा तो मैंने बताया कि पहला पर्पज क्या होता है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर से जोड़ना, विद्यालय के बाहर, ये नहीं कि दरवाज़ा खोले और बाहर जाइए उससे जोड़ दीजिए। यहाँ इसका तात्पर्य जो पाठ्य पुस्तकें हैं उससे ऊपर उठना है आपको, और जो वास्तविक क्षेत्र है, जैसे आपने जल पढ़ाया H2O, तो आप क्या करेंगे, आप उनको जल दिखाएंगे भी और जल कहाँ से आता है ये भी बताएंगे, जल के क्या सोर्स हैं और सारी चीज़ें, मतलब उनका जो ज्ञान का क्षेत्र सीमा है उसको बढ़ाना है। तो इसका जो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो यही है कि ज्ञान की व्यापकता जितनी है उसको आपको बढ़ाना है। तो हिंदी शिक्षण में भी ये आपको ध्यान रखना है, जैसे पोएट्री है, पोएम है, तो यही नहीं कि हमने उसका अर्थ बता के भाव समझा दिया तो बच्चा गा के समझ गया और इन्जॉय ही किया और कुछ नहीं किया। यहाँ उसको उसकी मीनिंग बतानी, जैसे आपने रस पढ़ा तो रस का मीनिंग क्या होता है, रस जैसे आप हाथ से देखते हैं तो हंसी आनी चाहिए, है ना, तो मन से खुश हो इंसान। अगर आप वीर रस देखें तो मन से बच्चा क्या करे, उसके अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हो कि किस प्रकार से हम राष्ट्र के प्रति या पूरे विश्व के प्रति समर्पित रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे NCF को बहुत ही महत्व दिया गया। तो सेंटेंस बहुत ही छोटा छोटा है लेकिन उसकी मीनिंग बहुत डीप है, आपको इसको समझना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके कारण हमारी व्यवस्था आज भी स्कूल और घर के बीच में के अंतराल में एकदम, मतलब वहीं पे रह गई है, मतलब स्कूल और घर, बच्चा घर पे जो सीखता है, स्कूल में जो सीखता है वहीं तक रह जाता है। हमें ये नहीं करना है, हमें अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ से भी चीज़ों को, ज्ञान को जोड़ना है और बच्चे का जो है वो सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास आप जानते हैं कि सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, हर मूल्यों का विकास, हर विकास को करना है। तो भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता है भाषा की क्या, भाषा का जो महत्व है आप ये समझते कि हम जो विचार अभिव्यक्त करते हैं जिस माध्यम से, अगर भाषा ना हो तो हम गूंगे बने रहेंगे, आप कुछ भी बोलते हैं, जैसे बच्चा जब भाषा नहीं सीखा रहता तो कुछ भी बोलता है लोग नहीं समझ पाते, और वहीं इंसान बोलना कुछ चाहता है और भाषा में कुछ और अभिव्यक्त करता है तो हम पहचान भी नहीं पाते कि उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है। तो भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए भाषा का शिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा, जो चीज़ें आप हिंदी शिक्षण में पढ़ रहे हैं आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो वही चीज़ें आपको सेम टू सेम मिलेंगी, क्योंकि भाषा तो भाषा, चाहे वो कोई भी भाषा हो, संस्कृत की पेडागॉजी हो, उर्दू की पेडागॉजी हो, सारी चीज़ों में आपको कोई ना कोई कॉमन फैक्टर मिलेगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की गई है, तो यहाँ पे बताया गया कि बाल केंद्रित व्यवस्था, ये आप जानते हैं कि शिक्षा पहले कैसी थी, जैसे शिक्षक केंद्रित, पाठ्यचर्या केंद्रित, फिर लास्ट में अभी जो सबसे डेवलप जो आपका मॉडल है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रख के आपको शिक्षण की बातें करनी, जैसे ऑप्शन में आप वही ऑप्शन चूज करेंगे जो बालक के लिए सबसे अप्रोप्रिएट, ये नहीं कि हमको टीचर को बहुत सहजता है, आराम से कोई चीज़ पढ़ा ले रहा है तो आप उसको दे दें, है ना, तो आप उसको बोलेंगे कि नहीं ये बहुत अच्छा ऑप्शन है हम आराम से पढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं सोचा। यहाँ बालक के बारे में आपको सोचना है, उसके हित के बारे में सोचना है, और ये सोचना है कि वो बालक किसी और का नहीं, आपका अपना बच्चा है जो आपकी कक्षा में पढ़ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे और भी कई चीज़ें बताई गई हैं जो मुख्य मुख्य बिंदु मैं आपको डिस्कस करें, सारे पॉइंट्स मैं नहीं बताऊँगी, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन जो मुख्य बिंदु है, जो मोटो है, जिसलिए हिंदी शिक्षण यहाँ पे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। इसमें बताया गया है कि सृजन और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार बनाएं।
ये देखिए कोलैबोरेशन जो आपका होता है, सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते। जैसे व्याख्यान है तो कई में बहुत ज़्यादा आपके स्टूडेंट हैं, लेकिन आप आराम से व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो कम सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा प्रक्रम चलाना है जिसमें स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व हो। आप एक्टिविटी बेस्ड जितने भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे मेथड जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व होके समस्या का समाधान करे, वो ज़्यादा आपका मतलब अच्छा पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन को आपको चूज़ करना है जो बाल केंद्रित होने के साथ साथ सृजनात्मक विचार को बहुत ज़्यादा पोषित करे। तो यहाँ पे सृजनात्मकता को आपको ध्यान में रखना है। हमेशा ज्ञान का सृजन बच्चा कर पाए, ऐसा एटमॉस्फेयर हमको देना चाहिए, क्योंकि NCF ने कहा है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर, मतलब टीचर क्या है, सुविधा प्रदाता है। और सुविधा प्रदाता मतलब क्या, आप उसको थोपेंगे नहीं, आप बस उसको सुविधा देंगे और बच्चा क्या करेगा, खुद से सीखेगा और खुद से उस समस्या से जूझेगा और ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें इस भाषा शिक्षण में, जैसे शिक्षण है आपका वैसे भाषा शिक्षण, एकदम मत घबराइए। शिक्षण के जो सिद्धांत वो भाषा शिक्षण में भी रहेंगे, बस हमें उसको पॉइंट आउट करना है कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि यह सब दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करता है। जैसे आप जैसे रहते थे, क्या विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपका जो अगर हाव भाव एकदम सेम टू सेम वैसा है, अगर आप खड़ूस हैं तो खड़ूस हैं, आपके अंदर दूसरों के प्रति संवेदनशीलता नहीं, तो अगर वैसे रह जाते हो तो मतलब यह है कि आपको शिक्षा नहीं मिली। तो भाषा शिक्षण का जो बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान रहता है कि व्यक्तित्व को मॉडिफाई कर देता है, विचार आपके और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता आपकी बढ़ जाती है और आपकी कही हुई बातों से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करता है, इसका यही रीज़न है कि जो आपका भाषा शिक्षण है उसको हमें ये इस प्रकार से देना है कि हम बालक के जो दैनिक जीवन है उसमें फेरबदल देख सके, अगर जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उसमें भी हम उसको कम कर सके और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको हम बढ़ा सके। तो ऐसे ही कई पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आप नोट्स जो है आप लिए होंगे तो आपने देखा होगा, जो नहीं भी लिए आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्रकार से देखें कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें बस मार्कर दे दीजिए। और इसके साथ साथ जब भी आप भाषा के शिक्षण को देखें तो घबराइएगा बिल्कुल मत। शिक्षण जैसे है वैसे भाषा शिक्षण है, कुछ नए उसमें आपके सिद्धांत है, जैसे चमस्की का आपका भाषा के सिद्धांत, उसमें आपका LAD आपने पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। तो इसके अलावा स्किनर का भी भाषा का सिद्धांत, तो वो वही सिद्धांत है जो उनका पुनर्बलन का सिद्धांत है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, ये एज इंट्रोडक्शन भी आप ले सकते हैं। और ये आपका सार है भाषा शिक्षण का, भाषा कैसे पढ़ा, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे सुनना, बोलना, ठीक है, लिसनिंग, रीडिंग, पढ़ना, लिखना और भी कई चीज़ें, जैसे ये सारी चीज़ें आपको उसमें बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो भाषा अगर आप जानते, क्योंकि सबसे इजी होना चाहिए वो आप यूज़ करते हैं, जैसे आप यूज़ करते हैं वैसे उसके प्रश्नों को भी आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको ये देखना है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे सारे के सारे जितने भी आपके प्रश्न हैं वो अच्छे से सॉल्व हो जाएँ।